अक्सर जमीन शापा। सर मालिकुम अमनार फ्रॉम मोरक्को एंड यू वाचिंग मोरक्कोस्तानी रिएक्शंस। इन टुडेस वीडियो आई रिएक्ट टू कैदी नंबर 804 इज कॉलिंग यू इमरान खान ट्रिब्यूट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे पाकिस्तानी हो, आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी नौजवानों को, सबको बताओ कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के बाद नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुनो आपने, सबने सुनाओ। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। कोई इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफाजा, बुज़दिली की सजा ही मौत। यू डू नॉट लेट द फेयर ऑफ डेथ कम इन द वे ऑफ व्हाट यू बिलीव इज़ योर मिशन। मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कि अगर इन चोरों की, इन डाकों के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इसे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के, और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम। बाकी हम किसी को, हम किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। अपने से वादा करे कि या मैं कामयाब होकर या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हार नहीं मानते, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा है, माफिया से लड़ा है, मीडिया से लड़ा है, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता, इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसके मुल्क में, और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा। And we will fight. We will fight. It will have consequences far beyond the world. It will have consequences for the world. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fear, worry. But where are we headed? Kabhi arsh par, kabhi farsh par, kabhi unke dar, kabhi dar badar. Hame aashiqui tera shukriya, main kahan kahan se guzar gaya. Kabhi raaston mein tanha. कभी हूँ वरूद सहरा, मैं जुनून का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं। कुरान में कहता है कि
मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। मैं आज तक सफर में हूँ इस दिमाग पर, उठेंगी मंजिले मेरे कदमों की। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा यार जो अपने कपड़े पहने हुए? लीडर जवाब देता, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता, इस्लाम की शान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के नमदार है आप। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, पाकिस्तान का मालिक, ये जमीन, ये लोग मेरे हैं, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा, और मुझे जवाब दे, मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा वा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद, तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बरदस्त ट्रिब्यूट फॉर इमरान खान, जो कि कायदे आज़म के बाद एक वाहिद लीडर है जिसने बोला है कि हम क्या, ये मुल्क किस लिए बना है, मुल्क के मकसद का याद दिला रहे थे आवाम को कि ये मुल्क बनने का मकसद क्या है, और वो हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको ग़ुलामी कबूल नहीं थी। लेकिन क्या करें, ऐसा ज़माना है, जुल्म का ज़माना है, जिसमें एक अच्छा लीडर और ईमानदार लीडर जो है या तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है, या वो जेल में होता है। तो बस उम्मीद करते हैं कि ये ज़माना चेंज हो जाए, ये माशरा चेंज हो जाए, ये जुल्म ख़त्म हो जाए, और ईमानदार जो है लोगों को इज्जत मिले जिनकी वो हकदार हैं, और उनको वो मकाम मिले जिनके वो हकदार हैं, और इमरान खान जो है इस आजमाइश से निकल जाएं और दोबारा से जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इस वीडियो में ये भी कहा है कि मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी मुझे जलील नहीं कर सकता है। तो उनके ख़िलाफ़ जो भी किया जा रहा है, जो भी जुल्म किया जा रहा है, जो ईमानदार लीडर्स का कत्ल हो जाता है या फिर जेल में डाले जाते हैं, उनके
उनकी इज्जत और बढ़ जाती है उनके सपोर्टर्स के दिलों में और इज्जत बढ़ जाती है, वो कभी लोग जो है उनकी उनको जलील नहीं कर सकते बल्कि अल्लाह ताला उनको और इज्जत देते हैं। तो इमरान खान की इज्जत और बढ़ गई है और वो अपने सपोर्टर्स के दिलों में और जगह बना लिया है और सारे जो हैं उनके लिए दुआएं करते हैं और उनके आने का इंतज़ार करते हैं कि वो दोबारा आ जाए और उन और दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के। तो अवाम को चाहिए कि वो कभी अपना मकसद ना भूले कि किस वजह से जो है ये मुल्क बना है, और वो इमरान खान को साथ दें और हक़ को साथ दें, क्योंकि जैसे पहले एक वीडियो में बोला था कि जो अल्लाह के जो हक़ के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है तो वो अल्लाह के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का नाम अल-हक़ है। तो हक़ के साथ खड़ा होना है, जो हक़ के लिए लड़ता है उनको भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आवाम का सपोर्ट होगा इमरान खान के साथ तो वो इंशाल्लाह इस आजमाइश से गुज़र के और निकलेंगे इंशाल्लाह, और पहले से ज़्यादा जो है वो हिम्मत दिखाएंगे और बहादुरी का मिसाल दिया है इमरान खान ने, जो अकेले जो है एक करप्ट सिस्टम से लड़े थे और नतीजा ये था कि वो अभी जेल में है, लेकिन इंशाल्लाह वो आ जाएंगे दोबारा और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पाकिस्तान के। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये दिन बहुत जल्द आए और उनकी ये आजमाइश ख़त्म हो जाए जल्द अज जल्द। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, चल दें अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह। धरती।